हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अनरसा बनाना बताऊंगी। उसके अनरसा बनाने के लिए ये अरवा चावल हम ले लिए हैं। इसको 2 दिन पहले धो के अच्छी तरह से पानी में भिंगो दिए थे। अब इसको डेली रोज़ सुबह शाम पानी बदल देते थे इसका। आज 2 दिन हो गया है, अब इसको छान लेंगे। अरवा चावल आप कोई भी ले सकते हैं, महंगा दाम का या कम दाम का। ये महंगा दाम का चावल नहीं है, ये कम दाम वाला चावल है। सिर्फ चीनी और चावल से अनरसा बनता है। इसका पानी गड़ जाएगा तो इसको थोड़ा देर कपड़ा पर सूखने के लिए डालेंगे। इसका पानी गड़ गया है, अब इसको ऐसे पसार देंगे। इसको पंखा के हवा में 15-20 मिनट इसको डाल देंगे। इसका खाली पानी मरना चाहिए इसमें का, हाथ में पानी नहीं लगना चाहिए। जैसे पानी लग रहा है ना, ऐसे नहीं लगना चाहिए। ज़्यादा नहीं सुखाना है, ज़्यादा सुखाएंगे तो मेरा अनरसा टाइट हो जाएगा। 15-20 मिनट इसको पंखा के हवा के नीचे रख दिए थे। देखिए, इस सूख गया है, इसमें पानी नहीं लग रहा है हाथ में। बस इतना ही सुखाना है इसको। अब इसको पीस लेंगे। पीस लिए, इसको अब छलनी से चाल लेंगे ताकि इसमें मोटा दाना सब निकल जाए। चावल का आटा नापेंगे, ये एक। उसी कटोरी से 2 कटोरी चावल का आटा है, 1 कटोरी पीसा हुआ चीनी है। अब इसको मिलाएंगे। इसको अच्छा से मिलाना है, बढ़िया से मिलाते मिलाते चीनी का पानी इसमें पिघलेगा। इसमें 1 चम्मच दूध डालेंगे, 2 चम्मच। इसको अच्छा सा मिलाएंगे। अभी डो तैयार हो गया है। अब इसको 12 घंटा के लिए इसको ढक के रख देंगे। अब 12 घंटा के बाद इसको बनाएंगे। अब इसको 12 घंटा से ऊपर हो गया है, इसको ज़्यादा देर भी रखिएगा तो कोई बात नहीं है। अगर उस 12 घंटे के बाद 24 घंटा के अंदर कभी भी छान सकते हैं। इसको इस तरह से कीजिए गोल, ऐसे ऐसे बनाइए सब। हाथ से थोड़ा चाप दीजिए और तिल में लपेट दीजिए। हाथ से थोड़ा थोड़ा जांच दीजिएगा ताकि तिल इसमें से निकले नहीं। अब तेल यहाँ गर्म हो रहा है, रिफाइंड है। इसको चेक करते हैं गर्म हुआ कि नहीं। गर्म हो गया है, अब एक एक करके डालेंगे इसमें। इसको एकदम आहिस्ता आहिस्ता उलटना पड़ता है। तेजी आंच पर छानना है, कम आंच नहीं कीजिएगा। इसको धीरे से पलटेंगे। देखिए, सबको पलट दिए हैं, बहुत ही खास्ता बना है। एक बार इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए, ये गुलाबी हो गया है, अब इसको निकाल लेंगे। देखिए कितना बड़ा साइज के दिए थे, सीधे दुगुना से भी ज़्यादा हो गया। फूलेगा तो समझिएगा एकदम खास्ता बना है। इसी तरह बाकी को भी छान लेंगे।
इसको थोड़ा देर तेल गड़ने के लिए छोड़ देंगे इसका रिफाइंड। देखिए तेल गड़ रहा है। इसको पेपर पर रखिएगा ताकि इसका तेल सोख ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।